नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बातचीत शुरू करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, बिगनर्स के साथ। हम आज वॉरेन बफेट के सात सूत्रों पे बात करेंगे। पहला है, जिस कंपनी के बारे में आपको उसके बिजनेस मॉडल का नहीं पता, उसमें निवेश मत कीजिए। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी लोग कहते हों, आपको नहीं करना उसमें निवेश। ये वॉरेन बफेट का पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है पेशेंस, समय दीजिए। ये बात वो 10 दिन की नहीं कर रहे, 10 महीने की भी नहीं कर रहे, वो 10 साल की बात कर रहे हैं। तो दूसरा उसका प्रिंसिपल है पेशेंस। तीसरा है, कब खरीदने चाहिए शेयर? जब मार्केट डाउन हो, बेस्ट टाइम होता है मार्केट में खरीदने का, जब मार्केट डाउन हो, जब सभी लोग पैनिक में हो, बेच रहे हो, बुरी खबरें आ रही हो, तब खरीदने का सही समय है। और चौथा उनका प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि ब्रोकर की बातों पर ध्यान मत दो, ब्रोकर की मत सुनो, ब्रोकर की सुनो लेकिन करो अपने मन की। पांचवा है, शेयर पर नहीं, आप कंपनी पर निवेश करते हैं, एक बार कंपनी सेलेक्ट कर ली उसके बाद पेशेंस से बैठिए। छठा है उसका, पेशेंस का गेम है ये। आपने एक बार कंपनी सेलेक्ट कर ली, उसका शेयर खरीद लिया, तो उसके बाद आप आराम से बैठिए। ऐसा है कि ये बिजनेस ही पेशेंस का है। बाकी उन्होंने जो सातवां प्रिंसिपल कहा है, वो कहा है कि हर गेंद पर बल्ला ना घुमाएं, गिने चुने सिलेक्टेड शेयर्स ही में ही पैसा लगाएं जो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग लगते हों। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए शेयर लेकर आए हैं, वह ट्रांसफार्मर्स बनाने वाली कंपनी का शेयर है। Q2 के शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, विस्तार योजनाएं हैं कंपनी की, आगे बात करेंगे रिपोर्ट में। एक वर्ष में 290% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर पर। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर पर बात करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके ऊपर हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। तो पावर फर्नेस और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर्स की निर्माता है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। इसकी लीडरशिप है, विश्व का पहला 420 केवी एस्टर द्रव भरा शंट रिएक्टर सफलतापूर्वक TRIL ने डिजाइन और निर्मित किया है। H1 सबसे पसंदीदा ब्रांड है, जो स्वदेशी रूप में 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी, 1200 केवी जैसे उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए जाना जाता है। उत्पाद पोर्टफोलियो में पावर ट्रांसफार्मर का 58% का योगदान है, शंट रिएक्टर का 4%, 765 केवी तक के शंट रिएक्टर हैं कंपनी के पास। वितरण ट्रांसफार्मर 12% है। कंपनी ने उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स निर्माण में उत्कृष्ट विकसित किए हैं। घरेलू राजस्व है जो वो 89% है, निर्यात से 11% आता है। 30 जून तक कंपनी के ऑर्डर बुक का मूल्य 2,926 करोड़ रुपए था, जिनमें नए ऑर्डर 698 करोड़ के भी हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने QIP के माध्यम से 500 करोड़ रुपया जुटाया है, अभी जुटाया है इसने 500 करोड़ रुपया। प्रबंधन ने घोषणा की है कि अक्षय ऊर्जा ट्रांसफार्मर के लिए क्षमता विस्तार और कमर्शियल प्रोडक्शन दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। कंपनी ने 12,000 MVA की एक नई विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है, जो वित्त वर्ष 25 में तीसरी तिमाही में चालू हो जाएगी। इसकी आप देख ही रहे हैं कि कितना शानदार बिजनेस मॉडल है इसका। अब हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट कैप 10,117 करोड़ की है,
बुक वैल्यू 73 रुपीज प्रति शेयर है, डिविडेंड भी 0.03% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.80% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.33% है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, लगातार कर्जा कम किया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 57.20% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। सीमेंस और ABB इसकी पीयर्स कंपनियां हैं, जिनकी आप अगर PE देखेंगे तो 108 की है और TRIL तो 83 की PE पर ही मिल रहा है। कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं जो बहुत ही शानदार है, जिनको थम्स अप मिला है 5% का, उसके ऊपर आज वो भी लग गया है, अपर सर्किट भी लगा है। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर भी कर लेते हैं। सेल है जो 257 करोड़ से सीधी 462 करोड़ हो गई, लगभग 80% बढ़ी है ये। OPM 8% से 15% हो गया, OPM का डबल होना बहुत बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 46 करोड़ हो गया, कोई हिसाब नहीं है कितना बड़ा है यह है। तो इसके हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर्स के भी FY 23, FY 24 और TTM के भी देखने ठीक रहेंगे, क्योंकि 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सेल है जो 1396 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 1291 करोड़ थी, और सितंबर 30 तक की TTM ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी कि सितंबर 23 से लेके अब तक, यानी कि 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर 23 से लेके 30 सितंबर 24 तक के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। सेल है जो FY 23 में 1396 करोड़ थी, FY 24 में 1291 करोड़ थी, TTM 1666 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 57 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 64 करोड़ था, TTM 168 करोड़ है। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे पेश किए हैं अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो। अब इसके पैरामीटर देखते हैं, पैरामीटर भी बहुत शानदार है इसके। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 20% है, 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है 84% है, 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 8% है, जो कम थी अब लेकिन बढ़ रही है 9.33% तो इसी साल है, और आगे भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट अच्छे हैं। तो प्राइस CAGR ग्रोथ है जो वो 179% है, बहुत ही शानदार प्राइस CAGR है 179%। शेयर कैपिटल 15 करोड़ है, बैलेंस शीट पे बात कर रहे हैं। रिजर्व हैं जो इसके 1088 करोड़ है, 15 करोड़ की इक्विटी पे 1088 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग 244 करोड़ है जो लगातार कम हुई है, 330 करोड़ थी पीछे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो IP वो 21 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 308 करोड़ की है। तो हम इस कंपनी के को बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कहेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 66.16% है, 66.16%, और FII 9.34% है जो लगातार बढ़ रही है। मार्च 24 के अंदर 4.45% थी और जून 24 के अंदर 8% थी जो अब 9.34% है। DII 6.93% है, ये भी लगातार बढ़ रही है। मार्च 24 और जून 24 की मैं बताता हूँ, मार्च 24 के अंदर 1.89% थी और जून 24 के अंदर 6.33% थी। दोनों में लगातार बढ़ोतरी है, इनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कंपनी में। पब्लिक के पास 17.57% है। तो दोस्तों, FII और DII इनका तो काम ही एनालिसिस करके, बैलेंस शीट एनालिसिस करके या हिस्ट्री देख के इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये लगातार बढ़ा रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक के पास 17.57% शेयर है, दाम 674 पे है, आज 5% का अवर सर्कल लगा है। 52 वीक हाई एंड लो 845 रुपये और 142 रुपये है। कंपनी
को 565 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर भी मिला है 3 अक्टूबर को। तो कंपनी को लगातार अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्वार्टर टू के शानदार रिजल्ट्स हैं, 1.6 करोड़ से बढ़कर 45.30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, और रेवेन्यू में भी 80% की बढ़त है। तो यहाँ से लगातार अपर सर्किट भी लग सकता है क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स हैं ना, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। डेट टू इक्विटी केवल 0.40% है, मैनेजेबल है, अदर असेट्स कंपनी के पास बहुत है। एक वर्ष में 290% का रिटर्न दिया है, जो बहुत शानदार रिटर्न है। प्राइस हिस्ट्री देखें तो इसकी बहुत अच्छी है, 3 वर्ष में 2078%, 5 वर्ष में 9262% का रिटर्न दिया है। किसी भी शेयर के बारे में भविष्य में देखने के लिए हम हिस्ट्री को तो चेक करेंगे ही, तो हिस्ट्री तो इसकी बहुत शानदार है। दो विश्लेषक इस शेयर को कवर कर रहे हैं, एक मजबूत खरीद और एक खरीद की बात कर रहा है, 0 विश्लेषक इसको बेचने की बात कर रहे हैं। 1 वर्ष में 765 रुपये और 5 वर्ष में 1394 रुपये का एक फोरकास्टिंग कंपनी ने इसको दिया है, इसकी फोरकास्टिंग की है। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्ष में 1500 रुपये तक यह इजीली जा सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों ये हमारी रिपोर्ट थी आज, इसके रिजल्ट आने के बाद बनाई है जो हमने। तो आप अपना समय निकाल कर हमारे हमारे वीडियोस के को देखते हैं, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।